हे गाइस, आज मैं आपके लिए पॉलीगन टॉपिक पे वीडियो बना लाया हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन लगभग आता ही है, ज्योमेट्री का टॉपिक है। एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है इजी सा, और लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं इसको कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मगर अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपसे एक टॉपिक नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो। कुछ सिंपल बेसिकली चार फॉर्मूले हैं बस, वो आपने याद करने। बेसिक फार्मूलाज ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फिर सिंपल सा लॉजिक लगता है। चाहे टीयर वन का क्वेश्चन हो चाहे टीयर टू का, ईजिली हो जाता है। मगर ये आपको पता होने चाहिए और ये आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेसिकली पॉलीगन क्या होता है वो तो पहले मैं आपको बता दूं। पॉलीगन मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, कितने भी नंबर ऑफ साइड से जो बना हो। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो एक पॉलीगन है, तीन थ्री साइडेड पॉलीगन। अब मैं वहीं, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये हो गया फोर साइडेड पॉलीगन। वहीं पे मैं पेंटागन बना दूँ, अब ये हो गया फाइव साइडेड पॉलीगन। तो बेसिकली पॉलीगन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब जो है रेगुलर पॉलीगन के आते हैं। कभी भी आपसे मतलब ऐसा ऐसे पॉलीगन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए इस कितनी साइड है, क्योंकि ऐसे निकालना पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा अगर क्वेश्चन अगर पॉलीगन का है तो समझ जाइए कि वो रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। रेगुलर मतलब जिसमें सारी की सारी साइड बराबर हो, ठीक है। ट्रायंगल केस में वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, और क्वाड्रिलेटरल केस में वो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपसे कुछ चीज़ें बस बेसिक फॉर्मूले पूछे होते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, इंटीरियर एंगल कितना आएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है और पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर पॉलीगन कितने भी साइज का हो, 10, 12, 15, 17, 18, इतना बड़ा पॉलीगन हो, गंदा सा बन गया सॉरी, चलिए मैं सिंपल से बना देता हूँ। देखिए, अब ये चलिए हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। अब ये कैसा भी हो, अगर ये रेगुलर है तो इसके एक्सटर्नल 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 एंगल का सम हमेशा 360 होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपको पता है, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 ऑलवेज। चाहे जितनी साइड हो, चाहे 10,000 साइड हो, चाहे 10,00,000 साइड हो, नो मैटर वॉट, आपको एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इन फॉर्मुल साथ मैं भूल गया हूँ कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स विल बी 360 डिग्रीज, ठीक है, ओके। सो 360 डिग्रीज होगा सम। सो एक्सटर्नल एंगल, मैंने सम की बात की है, एक्सटर्नल एंगल आपको पता क्या होता है, नहीं पता है। जैसे ये देखिए, ये इंटीरियर एंगल है तो ये हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक, अंदर वाला इंटीरियर एंगल, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180। तो एन माइनस टू, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, चेक कर लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल में क्या होता है, एन तीन होता है, तीन माइनस दो एक इंटू 180, ट्राइंगल का साइड का सम 180 होता है, ठीक है ना। तीन माइनस वन टू माइनस एक हो गया, थ्री माइनस टू इंटू 180, यहाँ चेक कर लेते हैं, देखते हैं। ये वो एक इंटू 180, 180 ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, आपको पता है। जो हम लोग को पता है उस पर क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप रेक्ट उसका बताते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, ये क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी नंबर ऑफ साइड होती है, चार होती हैं, चार माइनस एक सॉरी दो इंटू 180, चार माइनस दो कितना हुआ, दो इंटू 180 इसको टू 360। तो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया, ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल एंगल हो गया, अब इंटीरियर एंगल पता चल गया आपको। एक्सटर्नल एंगल होता है 360 अपॉन एन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितनी भी साइड का वो पॉलीगन हो, उसके सम हमेशा 360 होता है, तो ठीक है। सो ईच एक्सटर्नल एंगल, जैसे अब 10 साइड का पॉलीगन है तो उनका सम हो गया 360, तो हर एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 360 बाय एन। ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको। तो अब ये आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अब बाय टू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, कि अब देखते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल में चेक करते हैं तो इसमें दो ही डायगोनल बनते हैं, एक और दो, ठीक। तो चार, इसको यहाँ पे एन बराबर चार रख के देखते हैं, चार माइनस इंटू चार माइनस तीन, एक इंटू चार बटा दो, दो। तो देखा, आंसर दो आ गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे दो आ गए। और आता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होता है,
कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको समझा के चार फॉर्मूले रट लीजिए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पक्का हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला चेक करते हैं नंबर ऑफ साइड वाला। देखिए यहाँ पे क्या, इंटीरियर एंगल में सम का फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल में अगर आपको पता है तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एक निकाल लेते हैं इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल पता है, सॉरी इंटीरियर एंगल पता है हमें है 140, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 180 माइनस 40, 140 सॉरी बराबर 40 हो गया। ठीक, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं 360 अपॉन 40, सॉल्व हो गए 9, नंबर ऑफ साइड्स हमारी 9 आ जाएंगी। देख रहे होंगे कितना इजी है, बस आपने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उनसे दिक्कत हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज 1:4, तो नंबर ऑफ साइड्स चलिए देख लेते हैं। तो ये है इंटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल, एक सेकेंड, हाँ तो देखते हैं रेशियो ऑफ इन एक्स, सॉरी ये एक बात है, रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल एंड इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर आई इज टू आर, एक्सटीरियर ई इज टू 1:4, सॉरी ई इज टू आई, सॉरी ये गलत बोल रहा हूँ, ई इज टू आई इज टू 1:4, तो ई प्लस आई हमें पता था, एक्सटीरियर पर ई प्लस आई हमें पता ही है कि 180 डिग्री होता है, ये चीज़ तो हमने अभी पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले। ओके, सो इसको इसका सम कर लेते हैं, 1x प्लस 4x बराबर 180, ये तो आपको पता ही होगा, आपने रेशियो का क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो 5x नहीं पढ़ा था, आप जाके चेक कर लीजिए, 5x इज टू 180, एक्स बराबर 5 × 3 = 15 और 36, तो x बराबर एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 36। ठीक, और फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, सॉरी जगह कम पड़ रही है, तो इस पे आ जाते हैं अगले अगले पेज पे। ठीक है, कि फॉर्मूला था कि हाँ नंबर ऑफ साइड इज टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमें भी निकाला था, अभी 36 था, आंसर आ गया 10। देख रहे हैं कितना इजी है, ज़्यादा समय नहीं लगना है, आप ये पार्ट वन है, पार्ट टू में मैं ख़त्म कर दूंगा, पार्ट टू में नहीं हो पाया तो पार्ट तीन पार्ट्स में लगभग मैं ख़त्म कर दूंगा, 10-10 मिनट के वीडियोज हैं, आपका ये पॉलीगन टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको रिवीजन की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लास्ट टाइम आप जा एक बार देख लीजिएगा और दो चार क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको काम हो जाएगा। ओके, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और होप यू गाइस लाइक द वीडियो, बाय।